आइए दोस्तों, मैं आशु बच्चन और आपको एक चीज बताऊंगा कि मोहम्मद रफी साहब जो मरहूम है, जो दुनिया के अंदर नहीं रहे, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, वे कुछ नगमे हमारे लिए ऐसे छोड़ गए हैं कि जो क्लासिकल भी हैं और मस्ती के भी हैं। आइए, मैं आशु बच्चन उनकी बाल भर भी नहीं हूँ, नखून बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन उनकी यादों को थोड़ा जिंदा करता हूँ। उनके गाने अच्छे लगते हैं, उनके गाने क्लासिकल भी गाऊंगा और जो फर्स्ट मजे के गाने हैं वे भी गाऊंगा। अच्छे लगेंगे तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं ना दूं। तो ये देखो, रफी साहब के हम गाने की कोशिश कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा गा तो नहीं सकते। और उम्मीद करता हूं, अगर तो दोस्तों देखिए, अगर जो अच्छी वास्ते में आपको लगी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, लेकिन आपके दिल को जो छुई है वीडियो और अच्छे गाने लगे तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों में एक बार शेयर कर दो, क्योंकि हमारे घर में यही गाने बजा करते थे मोहम्मद रफी साहब के। और रफी साहब का एक क्लासिकल गाना है, तुझको पुकारे मेरा प्यार है। तो इस तरीके के उनके गाने थे जो क्लासिकल थे। वो बहारे वो चांदनी राते हमने की थी जो प्यार की बातें, वो बहारे वो चांदनी राते हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी जब ख्यालों में मुझको लाओगे। ये गाने जब आप सुनते होंगे तो आपको कैसा लगता होगा? अब एक गाना है रफी साहब का, बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम। अगर जो मैं लूं अगर जो ये लो आप लोग समझते हैं तो, क्योंकि मैं ये बहुत ऊंचा स्केल से गा रहा हूं, क्योंकि संगीत नहीं है ना, इसलिए तो कलाकार को ध्यान रखना चाहिए क्योंकि किस सुर से गा रहा है, किस तरह गा रहा है। अरे गाना है, अपना पता मिले ना खबर यार की मिले, दुश्मन को भी न ऐसी सजा प्यार की मिले, उनको खुदा मिले है खुदा की जिन्हें तलाश, मुझको बस एक झलक मेरे दिलदार की मिले। एक बार कह दो, ये दुनिया। रफी साहब तो रफी साहब है, उनके जैसा दोस्तों हम नहीं गा सकते कभी ना कभी। रेशमी जुल्फें, और एक है हाँ सिराग गाने आप रेशमी जुल्फें। ये रेशमी जुल्फें, ये
शरबत आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। दोस्तों, रफी साहब के ये नगमे हैं और आप ही देखो कि कितनी मेहनत की होगी उन्होंने इसके गाने में। एक पत्थर के सनम जब मैंने गाना सुना तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई, अरे हमने ये क्या समझा ये क्या जाना पत्थर के जन्म। जब छोड़ते थे रफी साहब तो ऐसा लगता था जैसे नशे में पत्थर के जन्म ऐसे भी छोड़ सकते हैं पत्थर के सनम, तो जैसे मैं छोड़ा करते उनका अलग अंदाज नया होता था। अरे खैर, हाथी मेरे साथी का एक कोई उसको नफरत की नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे यार, इस झूठ की नगरी से तोड़ के नाता जा प्यारे अमर रहे तेरा प्यार खुश रहना मेरे दर्द। जब तक रफी जी की आवाज में मोहम्मद रफी साहब की आवाज में दर्द नहीं होगा तो गाना नहीं। और जो रफी की याद में मोहम्मद अजीज ने गाया आखिरी पेशकश, नफनकार तुझसा नफनकार तुझसा तेरे बाद आया, नफनकार तुझसा तेरे बाद आया मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया, मोहम्मद रफी तू बहुत याद आया। मैंने ये गाना सुना तो मेरी आंखों में सर पानी चले थे दोस्तों। और आइए, जैसा आज मैंने गुनगुनाया, आप मुझे सपोर्ट करो तो आगे गाने का मैं और कोशिश करूंगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल का नाम है सिराज आसू बच्चन वो ही टाटा। अच्छा तो हम चलते हैं, इसके अंदाज के बारे में बताना आपको कैसा लगा। और आइए, हाथ जोड़ के इजाजत दीजिए, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंतजार करिए दोस्तों, प्यार देना है आप लोगों को, प्यार देना होगा बाबूजी। अगर जो आप लोगों ने मेरी वीडियो और शेयर नहीं की, लाइक नहीं की, तो मैं आपके लिए गाने गाता हूँ, मुझे दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। अरे भाई साहब, भैया हमने देखे तो गाया है भाई साहब आपका प्यार के लिए, और रफी साहब का भी गाया है, मोहम्मद अजीज का भी गाया, और भाई साहब क्लासिकल भी गाए। अरे गाने तो पूरा हिंदुस्तान गाता है, अच्छे अच्छे टैलेंट गाते हैं। अरे कोई माइक में गाता है और कोई सभा में गाता है, लेकिन ये आसू बच्चन तो रूम के अंदर गाता है। आपने देखा पसीना आ आसू बच्चन जब अपने मजे पे आता है तो ऐसे गाने गाता है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे लगे। आओ
चैनल का नाम सिराज आशु बच्चन। अजरावत साहब मेरी भावनाओं से खेल रहे हैं। मैं आईटीसी नहीं, एक सिंगर ही नहीं, मुझे ऊपर वाले ने एक मिमिक्री आर्टिस्ट बनाकर भेजा है ताकि मैं कलाकारों के गाने गाऊं और कलाकारों के मिमिक्री कर अपने दर्शकों का मन मोह लूं। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए।